हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट केस देखा था, आज हम सेकेंड केस पढ़ेंगे इसका। इट इज़ जब हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं किस पे, आपके वर्क डन पे। ओके, यस। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम अगर बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो उसमें आपके प्रेशर पे कोई वो नहीं होता, पावर नहीं होती। लेकिन जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, इसको एडियाबैटिक कर लेना, तो वॉल्यूम पे गामा होता है। यस, वन बाय गामा हो जाएगा ये। दिस इज़ वन बाय गामा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। वन बाय गामा, ठीक है। तो ऑब्वियसली पावर आपकी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एडियाबैटिक वाले की हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो दो आपके प्रोसेसेस हो जाते हैं, एक रिवर्सिबल जो ब्लू वाला है आइसोथर्मल है, और जो रेड वाला है वो आपका एडियाबैटिक है। ओके, यहाँ पे दो आपकी कंडीशंस हो जाती है। एक, जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो आपका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आया। एक, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो आपका प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ऐसे आपके दो तरीके से ग्राफ पूछे जाते हैं। तो फाइनली आपका, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमेशा इरिवर्सिबल का जो वर्क डन है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। सेम ही आपका ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है कि वर्क डन का, तो हम इसको लिख लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। इसको फटाफट से लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट केस पे पढ़ते हैं। इसमें यह है कि हम अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगी, यहाँ पे भी अगर हम प्रेशर को, मतलब प्रेशर को घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे गामा का फैक्टर आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है एडियाबैटिक में कि गामा का फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है, आपकी आइसोथर्मल की प्रेशर ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एडियाबैटिक। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे हमने पिछला प्रोसेस पढ़ा चाहे हमने ये प्रोसेस पढ़ा, ये हमने दोनों पढ़े एक्सपेंशन के लिए हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आप कभी कोई बुक भी पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें आपको एक्सपेंशन ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि कंप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो पेपर में पूछेगा भी एक्सपेंशन। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंशन के लिए मुझे बताया गया। यस, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अभी हमने रिवर्सिबल पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज हम इरिवर्सिबल पढ़ेंगे। तो देखो, एक काफ़ी हद तक सेम है, आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे गामा का फैक्टर आता था, यहाँ पे गामा का फैक्टर नहीं आएगा। एक ये बात है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, हमें पूरा आपका, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ऐड करने होते हैं। तो आप किससे करते हो, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेट करते हो ना चीज़ों को। तो उसमें क्या होता है, आपका एलएन वाली टर्म और वो सब आ जाता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपके वो वाली जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगता, तो सिंपल हो जाता है थोड़ा सा। सो एडियाबैटिक में तो डी क्यू क्या हो गया आपका, जीरो। डी क्यू जीरो हो गया तो डी डब्ल्यू और डी यू बराबर हो गया। अब हम डी यू को हम लिख सकते हैं माइनस पी डी वी, एंड इसको सी वी डी टी, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वी टी टू माइनस टी वन एंड माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस बी वन। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है मेरा जो आएगा, जो मैक्सिमम टाइम आपका यही यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि आपका वी टू की जगह आपको ये प्रेशर पुट करने को आ सकता है। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे आपका पी एक्सटर्नल को वो पी टू ही मान के चलता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैम पी एक्सटर्नल अलग से नहीं गिवन, तो मान लेंगे P2 जो होगा वो P एक्सटर्नल, क्योंकि फाइनल प्रेशर तो वही रीच होगा ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि P एक्सटर्नल किसके बराबर है, आपके P2 के बराबर है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ से P2 को अंदर ले लिया दोनों टर्म्स में, और फिर कैंसिल आउट करने की कोशिश करी, तो आप एक सिंपल कंक्लूजन पे पहुँच गए। डेरिवेशन आप कर सकते हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, सिर्फ ये वाली जो इक्वेशन है यही पूछता है। अगर आगे पूछेगा तो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा।
यस, तो ये भी आप इक्वेशन कर सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे इसने क्या करा कि मेरे पास एक इक्वेशन थी, उसमें इस इक्वेशन में मैंने क्या करा कि टी वन वाली टर्म्स एक साइड कर ली, टी टू वाली टर्म्स एक साइड कर ली, तो मैंने किसका रेशो निकाला, टी वन बाई टी टू का रेशो मैंने निकाला, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ फॉर दी वैंडरवॉल इक्वेशन, जैसे हमें वैंडरवॉल इक्वेशन अभी हम गैसियस स्टेट में ये पढ़ के आए थे, अभी थोड़े देर आई थिंक फ्यू क्लासेस बैक, 5 to 6 क्लासेस बैक हमने पढ़ा था, तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा। इसमें क्या करा, देखो जो वैंडरवॉल इक्वेशन है ना, वो इसी तरीके से सॉल्व होती है। सबसे बेसिक डेरिवेशन है कि पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे, ठीक है, प्रेशर को, या तो प्रेशर को एक तरफ कर लो या वॉल्यूम को एक तरफ कर लो, एक उसकी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से कंपेयर करने के लिए, इससे कंपेयर करने के लिए डिवाइड हो गया नीचे, यस, और इधर माइनस था तो ये प्लस में आ गया, तो डायरेक्ट मेरी पी की वैल्यू क्या बन गई, आर टी वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। यस, नाउ फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी यू डी टी क्या हो गया, जीरो, और मेरा डी यू भी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं, बहुत बार पढ़ लिया हमने इस चीज़ को। नाउ वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पे अच्छा लिखा भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, नाउ यहाँ पे जो आपका पी एक्सटर्नल है, मैंने कुछ नहीं करा, जो पीछे मेरी वैल्यू मैंने वैंडरवॉल इक्वेशन के लिए निकाली थी उसको सब्सटीट्यूट कर दी। जब हमने आइडियल के लिए पढ़ा था तो हमने आइडियल वाली प्रेशर पुट करा था, जिससे मेरी टर्म आई थी माइनस एन आर टी एल एन वाली, तो यहाँ पे मैंने वैंडरवॉल वाली जो इक्वेशन है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे एंड देन विल इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ तो W आ गया, इसको मिटा देते हैं, यस, डी वी अपॉन वी माइनस बी का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1/v² का इंटीग्रेशन हम करेंगे, राइट, याद रखेंगे दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर वैंडरवॉल। सेकेंड पार्ट हमारे लिए वैंडरवॉल से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, आई वुड प्रेफर कि आप इस डेरिवेशन को ना याद करके जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो याद करके जाओ दोबारा से। डेरिवेशन आइडियल गैस के लिए आएगी अगर डिराइव कराएगा तो, वैंडरवॉल के लिए नहीं आएगी, बहुत आएगा तो एडवांस में आएगा तो आएगा, नहीं तो उतना भी नहीं पूछते, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपको फॉर्मूले बताओ, बिकॉज दे ऑल्सो नो कितना सिलेबस में नहीं है और इतना नहीं कर सकते, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, तो उससे डेरिवेशन से वो आपसे पूछ लेते हैं, तो ये आपकी किसके लिए हो गई, रियल गैस के लिए हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपकी वैंडरवॉल की बात करूँ, सॉरी जब मैं आइडियल गैस की बात करूँ, तो सिर्फ ये जो आगे वाली इक्वेशन है आपकी सिर्फ इतनी होती थी, लेकिन रियल गैस के लिए आपके लिए दोनों टर्मिनोलॉजी इंक्लूडेड है। अब आइसोथर्मल फैंस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ड्यू क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन रियल गैस में क्या होगा, चेंज इन, जैसे रियल गैस में क्या होगा कि ये टर्म जीरो हो जाएगी लेकिन बाकी वाली टर्म तो बचेगी ना, यस, बाकी वाली। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रियल गैसेस में आपका डी यू किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ ए पे, ए कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, बहुत बार पूछा जाता है। नाउ कंपैरिजन बिटवीन वर्क डन इन एन आइडियल प्रोसेस एंड अ रियल प्रोसेस। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन थी वर्क डन की। अब जो ये वाला वर्क डन है इसमें उन्होंने एक कांस्टेंट मान लिया तो वो वर्क डन आइडियल आ गया, तो वर्क डन आइडियल माइनस रियल नेगेटिव आता है, आइडियल माइनस, अच्छा मैं यहाँ बताती हूँ, देखो यहाँ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव को मैं इधर लेके जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दूँ वर्क डन आइडियल माइनस वर्क डन रियल, और ये टर्मिनोलॉजी नेगेटिव है, ये टर्मिनोलॉजी नेगेटिव है, तो यानी वर्क डन किसका ज़्यादा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन किसका ज़्यादा हुआ, रियल गैस का, ठीक है, इन कंप्रेशन, और वर्क डन आइडियल गैस का ज़्यादा हुआ इन एक्सपेंशन। ठीक है, तो बहुत अब ये क्वेश्चन कोई इसको मेमोराइज करके करना चाहे कि भाई मैं मेमोराइज कर जाऊँ तो नहीं हो पाएगा, कितना ही मेमोराइज कर लोगे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कंप्रेशन में क्या था, अब भाई एक्सपेंशन में क्या था। तो व्हाट आई डिड और व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप फॉर्मूला याद करके जाओ, आप थोड़ा सा डेरिवेशन इसकी अपने हाथ से एक दो बार निकाल लो कि चलो पेपर में नहीं आएगा, इन केस पेपर में नहीं आया और मुझे क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आई विल ड्राइव, आई विल बी एबल टू डिराइव द इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन है, जैसे जैसे वो मुझसे पूछता जाएगा वैसे वैसे आई विल अप्लाई, जैसे जैसे उसने मुझसे पूछा वैसे वैसे आई विल अप्लाई, तो ऐसा कर लेना।
ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग इस जब भी आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, एटलीस्ट वंस मेरे हाथ से निकल जाएगा तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मेरे माइंड में थोड़ा तो रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे मैंने डिराइव करा था. ठीक है, आजकल एग्जाम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है, वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि ये वो बहुत बार पूछ चुके हैं कि CVDT और ये इसमें प्रेशर पुट कर वो सब कर चुके हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब हम कोई नया सवाल लेके आएँ. तो नया सवाल डेरिवेशन से ही बन सकता है, डेरिवेशन आती होगी तो सवाल हो जाएगा. तो अच्छे से डेरिवेशन नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे.
Thank you.
ओके तो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। अलग से नहीं है, कुछ बुक्स में अलग से दिया हुआ भी हो सकता है, अलग से नहीं है, उसी का पार्ट है। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं, हम एक सिस्टम की बात करते हैं जिसमें आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, वी पर्टिकुलरली डील विद द रिएक्शन, कि रिएक्शन में केमिस्ट्री कैसी हो रही है, रिएक्शन में क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है। सो व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? इट डील्स विद द मेजरमेंट एंड द स्टडी ऑफ हीट चेंज दैट अकर व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी आपका एक केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी हीट चेंज हो रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यस जैसे पहले हम इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपका डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज़ ऑल्सो थर्मोकेमिस्ट्री। इज जस्ट दैट उसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ अ फूड इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट इट इज़ इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी एनर्जी की फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में नहीं होती पर्टिकुलरली। लाइक बर्निंग ऑफ वुड और यू नो कुकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द लाइक रॉ वेजिटेबल्स से कुक्ड वेजिटेबल्स की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ओनली, वो इरिवर्सिबल है। हम वापस से कुक्ड वेजिटेबल्स से हम रॉ वेजिटेबल्स नहीं बना सकते। तो ये सारे हमारे जो रिएक्शंस है जिसमें मेरी एनर्जी या तो रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, और जो प्रोडक्ट है वो इरिवर्सिबल है, यानी आप वापस से उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो पर्टिकुलरली अगर हीट की फॉर्म में रिलीज होती है तो आप उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, लाइक बर्निंग ऑफ फायर या कोई भी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे बर्न होते हैं, दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। तभी जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं सो दे एमिट CO2 एंड वाटर। CO2 कॉसेस योर ग्लोबल वार्मिंग, तो इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। यस ना, आपके रिएक्शन दो टाइप के होंगे जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे ये जैसे सबको पता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम हो गई, तो यानी डेल्टा एच को ऐसा होगा नेगेटिव। जब भी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो आपका डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। मेन इंपॉर्टेंट इज इसका ग्राफ, आई थिंक यहाँ पे होगा। अच्छा ठीक है, जब हम आगे नेक्स्ट 12th में जाते हैं तब भी हम इस ग्राफ को पढ़ते हैं। ये ग्राफ आपका क्या डिनोट करता है? ऑन वाई एक्सिस हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं एंड ऑन एक्स एक्सिस हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। यस, सो जो हमारा रिएक्टेंट होता है, मैंने उसकी कुछ भी एनर्जी मान ली, मान लो 100 मान ली मैंने उसकी, 100 जूल एनर्जी मान ली। इफ़ इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में आपका क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। दोबारा से सुनेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, इट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। यस, आप किसी सिस्टम में से एनर्जी उसकी कम कर रहे हो, यस उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसमें रैंडमनेस कम होगी, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी इट इज़ गुड, लाइक सिस्टम स्टेबिलाइज है, वो रिएक्टिव कम होगा। तो जब भी मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दिस इज़ मोर स्टेबल। और दूसरा, यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, मुझे हीट सिस्टम को नहीं देनी पड़ रही, हीट अपने आप रिलीज़ हो रही है। लेकिन यही हम एंडोथर्मिक की बात करें तो इसका अगर हम सेम ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में जो आपकी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से। इसको लिख लेना कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? रिएक्टेंट से। तो ये ग्राफ आपका, आप किसी किसी बुक में इक्विलिब्रियम में समझाया जाता है, किसी किसी बुक में थर्मो में समझाते हैं, कहीं आपको काइनेटिक्स में भी मिल सकता है 12th में ये ग्राफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है हमारे लिए, डायरेक्टली सवाल आ जाएगा कौन सा एक्सोथर्मिक के लिए कौन सा एंडोथर्मिक। तो याद रखेंगे एंडोथर्मिक वाला वो ग्राफ होगा जिसमें आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने सिस्टम को एनर्जी दी है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी जितनी थी उससे बढ़ जाएगी। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो गई है फाइनली, तो रिएक्टेंट से कुछ कम हो जाएगी ना। द हीट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ना। अभी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि हम डेल्टा एच माने डेल्टा यू। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक काम कर जाती है वो ये है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो डिटेल थर्मोडायनेमिक्स है, जो मैथमेटिकल
फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम अभी उसमें नहीं जा रहे, हम हायर क्लासेस में जाते तो हमारा वो आता है. तो जब भी मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में डेटा दे रखा होता है सो दैट इज़ माय डेल्टा यू, और जब भी प्रेशर के टर्म्स में दे रखा होता है तो दैट इज़ डेल्टा एच. हम पहले भी कर चुके हैं लाइक सी पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी पी और सी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी वी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो हीट चेंज मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डेल्टा एच, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज योर डेल्टा यू. ठीक है, तो डेटा से आप थोड़ा पता लगा सकते हो कि मेरा आंसर डेल्टा एच के टर्म्स में जाएगा या डेल्टा यू, दोनों इक्वल नहीं होते. डेल्टा एच जैसे आपने पढ़ा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी या एन आर डेल्टा टी, आप कैसे भी ले सकते हो. तो जनरली आपकी इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही होती है. यस, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. अब देखो यहाँ पे तीन फॉर्मूले आते हैं जो मैंने पहले भी पढ़ाए थे. ये तीन फॉर्मूले, यस, कुछ इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करे, बस एक स्टैंडर्डाइज मेरे पास फॉर्म थी ये वाली. इसमें मैंने क्या करा, मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा. अब देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा. क्वेश्चन में अगर उसने मुझे टेम्परेचर चेंज दिया है तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे कि भाई टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग देखेंगे. अगर इक्वेशन में आपके मोल्स चेंज हो रहे हैं, यस, कि भाई रिएक्टेंट था उसके इनिशियल इतने मोल्स थे, प्रोडक्ट बन गया, तो बताओ चेंज कैसा आएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, सिस्टम का टेम्परेचर तो सेम रहा, तो वो वाली इक्वेशन डाल देंगे. नाउ व्हाट इज़ डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी का मतलब होता है ये जो जी है, दिस मीन्स गैस, कि आपको इक्वेशन में किसके मोल्स कंसिडर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस के. एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट. यस, नाउ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आपका चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होता है, इस वजह से हमारा हम उसको कंसिडर नहीं करते वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को. ठीक है, अब देखो, अब मैंने जब पहले हमने जब गैसेस के लॉस पढ़े थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब भी कहीं भी एनर्जी से रिलेटेड वेलोसिटी से रिलेटेड आपका आएगा तो R विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल. ठीक है, अब R को हम कैलरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो अलग हो जाएगा, दैट R इज इक्वल्स टू 2 कैलरी पर कैलविन पर मोल. ठीक है, ये चीज़ अलग हो जाएगी, लेकिन जो 99% टाइम्स आपका जूल में ही पूछा जाता है, यस, जूल में ही पूछते हैं वो. बस इतना याद रखना है कि एनर्जी के टर्म्स में आपको किसकी ज़रूरत है, ये यू लिख लेना इसको, एनर्जी के टर्म्स में आपको किसकी ज़रूरत है, आर इज इक्वल्स टू 8.314. जैसे इसमें पूछा प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन है. प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन. ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी पे. जैसे अब जैसे फर्स्ट केस के लिए एक बार निकाल लेते हैं, डेल्टा एन जी फर्स्ट केस के लिए कितना होगा, रिएक्ट प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 1 मोल, रिएक्टेंट में 2, सो दैट विल बी -1. तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस आर टी, माइनस आर टी. ठीक है, या माइनस एन आर टी, माइनस आर टी चलेगा. तो ये एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है. तो आपको डेल्टा एन जी निकालना है. जैसे यहाँ पे आपका जो डेल्टा एन जी है वो कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, +1, 2 - 1, 1. जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, हमने बैलेंस नहीं करा. यस, यहाँ पे भी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ बैलेंस करेंगे तो 0, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. तो बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए. जैसे एक इक्वेशन हम ये खुद से भी कर सकते हैं. अब देखो, अब उसने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा एट दिस टेम्परेचर इन दिस टेम्परेचर फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ C2H2. अच्छा देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी. अब मैंने डेल्टा टी क्यों लिया, क्योंकि मेरा डेटा इस हिसाब से गिवन है
कि मुझे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए. क्या चाहिए? चेंज इन टेम्परेचर. मुझे निकालना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू. नंबर ऑफ मोल्स को मैंने 1 मान लिया, 8.314. यस, सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 73. अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिख लेते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, कई जैसे हमने पहले भी देखा है कि टेम्परेचर हमेशा कैल्विन में आना चाहिए. यस, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन कैल्विन, की हमेशा कैल्विन स्केल में हम रखते हैं फिजिकल में. लेकिन यहाँ पे मैंने उसको चेंज नहीं करा. क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस चाहे आप कैल्विन में निकालो, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकालो, डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम. तो जब भी क्वेश्चन डिफरेंस से आता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो डिफरेंस किस में निकाल रहे हो. अगर आप कैल्विन में भी डिफरेंस निकालोगे या आप अपना उसमें कैल्विन में भी डिफरेंस निकालोगे या फिर डिग्री सेल्सियस में, दोनों में सेम आएगा. जैसे अगर मुझे डिफरेंस निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी 100. नाउ मुझे निकालना है 273 केल्विन एंड 373 केल्विन. सो इवन नाउ ऑल्सो द डिफरेंस रिमेन्स द सेम. तो डिफरेंस से कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी डिग्री में उसको निकाल सकते हो. यस, सो हम यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लेते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड.
ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, सबसे पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, दो मोल एंड दो मोल, देन विल कैलकुलेट डेल्टा एनर्जी। तो जहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं कॉपी में, ऐसे स्टार मार्क करके ऊपर लिख लेंगे दैट द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, दिस शुड बी एच टू, ये एच टू होगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, थ्री मोल्स टू मोल्स, तो कितना हो गया, फोर माइनस टू दैट इज माइनस टू। यस, यहाँ पे कैसे करेंगे, यस, तो ये कितना हो जाएगा, फोर माइनस सेवन, ओके माइनस थ्री। तो हमेशा याद रखेंगे डेल्टा एन जी मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोवाइडेड इन गैसियस स्टेट। अच्छा, ये टू हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी टू, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डबल कर देंगे दैट इज़ प्लस वन। एक चीज़ याद रखेंगे, आई थिंक यहाँ पे तो नहीं हुआ, हाँ जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख के दूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करेंगे, देखो इसका पर्पस क्या है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जैसे आप प्रीवियस से देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इसी पे बेस मिलेंगे कि आपको डेटा सेलेक्ट करना है, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ऐसे गिवन होगा, जैसे इसके लिए ऑप्शन कैसे गिवन होगा, दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस माइनस आर टी, ठीक है, इस तरीके से गिवन होगा। तो जैसे क्वेश्चन वाटर पे मैंने बोला था, वाटर पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वाटर पे अक्सर क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है कहाँ से आएगा। यस, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आ गया ना, तो डेल्टा एन जी कैसे लिखोगे, माइनस टू, डेल्टा एन जी को आप क्या लिखोगे, माइनस टू। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन लिख लेंगे, एक पॉइंट और स्टार मार्क करके कॉपी पे कहीं पे भी लिख लेंगे
कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इन द होल चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल। मतलब आर कौन से वाला यूज़ करना है, जूल पर कैल्विन पर मोल, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत रहती है कि मेरा आर कौन सा होगा, मुझे आर कौन से वाला यूज़ करना है, तो कौन सा वाला करेंगे, 8.314 क्यों करेंगे, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट किस में आएगी, जूल्स में, और जूल से कैलरी में कन्वर्ट करने को पूछेगा तो भी कर लेंगे। पहले ये लिख लो फिर आगे का लिख लेंगे। ओके यस एक ये वाला पॉइंट भी लिख लेंगे, आई होप लिख ही लिया होगा, फिर भी आई एम्फसाइज ये वाला, इस स्लाइड को इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होती है कि मान लो ये फॉर्मूला याद आ गया, ऊपर वाला आया नहीं, तो फिर क्या करें, ये तो बैठ ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा ये वाले, क्योंकि यहाँ से अक्सर पूछ लेता है डेल्टा टी, जब भी आपका चेंज इन, अच्छा डेल्टा टी के क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, जैसे मानो मैं सॉलिड में हूँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, तो फ्यूजन सब्लिमेशन, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि भाई गैस लिक्विड आइस है 0 डिग्री पे, तो वाटर कब जाएगी 25 डिग्री पे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का आपको चेंज कहाँ देखने को मिलता है, जनरली एक केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यस नेक्स्ट ये वाला पॉइंट लिख लो कि जब भी आपका टेम्परेचर चेंज आएगा तो चाहे वो कैल्विन में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, आपको उसको ऐसा नहीं करना कि डिग्री से पहले कैल्विन में लेके गए फिर कैल्विन से डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो बात तो सेम ही आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये गलती ना करें ताकि हमारे 30 to 40 seconds एग्ज़ाम में बच जाएँ। ओके चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, वी हैव स्टार्टेड द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हमने अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद और आगे भी है, सो वी हैव स्टार्टेड द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अभी तक जितना भी हुआ है काफ़ी हद तक हम पोर्शन कवर कर चुके हैं, विच विल बी या मेन एग्जाम में जो आएगा वो वाला पार्ट हम कर चुके हैं। सो जो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि आइसोथर्मल है तो क्या हो रहा है, आइसोकोरिक है तो क्या हो रहा है, आइसोबैरिक है तो क्या हो रहा है, एक तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेज हैं जैसे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बहुत बेसिक फॉर्मूले से भी सवाल बन जाता है, तो वो मुझे आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आना चाहिए उस पर, क्योंकि न्यूमेरिकल तो थोड़े बड़े सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट फिर जो वर्क डन इन आइसोथर्मल, मतलब ये तो ऑलमोस्ट हर साल आ जाता है कि वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या एल एन बी टू बाई वी वन या लॉग वाला पूछ लेगा। उसके बाद फिर एडियाबैटिक का आएगा, फिर एडियाबैटिक वाला करेंगे, एडियाबैटिक बहुत ज़्यादा नहीं आता क्योंकि इतनी डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने करा दी। उसके बाद क्या करेंगे, जब एडियाबैटिक हो जाएगा तो फिर हमने आज वैंडरवॉल वाला करा है, वैंडरवॉल से आपका आ जाता है। अच्छा एक और चीज़, वैंडरवॉल जहाँ पर हमने किया था यहाँ पर हमने एक समरी टाइप लिखा था, यस देखो ये पूछ लेता है वैंडरवॉल में कि जैसे आइडियल गैस में तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यू जीरो हो जाएगा,
लेकिन रियल गैस में तो नहीं होता। तो पूछता है कि रियल गैस में आपका डेल्टा यू कब जीरो होगा, कि मेरा सिस्टम आइसोथर्मल भी होना चाहिए और जब ए की वैल्यू जीरो होगी, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो सकता, तो ए की वैल्यू जीरो होगी तो आपका जिस भी गैस के लिए ए की वैल्यू जीरो होगी तो उसके लिए आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट कम्स टू द थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री से अगर मान लो थर्मो में तीन सवाल आ रहे हैं तो एक सवाल थर्मोकेमिस्ट्री से आएगा ही आएगा, तीन से चार सवाल थर्मो के बन जाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से ज़रूर सवाल आएगा। बहुत इजी होता है क्योंकि रिएक्शन बेस्ड होता है, रिएक्शन मेरे सामने है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि मुझे डेल्टा एन जी निकालना है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है कि डेल्टा एन जी निकालना है, प्लस माइनस करना है, वन प्लस टू या वन माइनस टू माइनस वन, तो ये देखना है, बस इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर मुझे चेंज टेम्परेचर में चेंज निकालना है तो केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डिग्री सेल्सियस को, वैसे भी हम नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। देन एक बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनर्जी है, जब क्योंकि हमारा थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ही निकाल रहे हैं, चाहे वो डेल्टा एच की टर्म्स में हो चाहे डेल्टा यू की टर्म्स में हो, निकल तो एनर्जी ही रही है, तो उसका आर की वैल्यू हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, मेरे जूल या कैलरी की फॉर्म में, हमेशा या तो जूल वाला लगेगा, 99% टाइम्स जूल लगता है और वो एग्जामिनर देगा नहीं आर की वैल्यू, दे भी सकते हैं नहीं भी देते, जनरली नहीं देते। कैलरी में भी पूछ सकता है, कैलरी में बहुत अच्छा सवाल बनेगा अगर न्यूमेरिकल टाइप बनेगा कि भाई इसमें आंसर कैलरी में कन्वर्ट करके बताओ, तो टू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको, ऐसे करके करेंगे। यस, सो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द बेसिक रिएक्शंस, कि आपके जो केमिकल जो आपकी थर्मोकेमिस्ट्री है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपने तो बहुत बेसिक पढ़े होंगे, वेपराइजेशन सब्लिमेशन फ्यूजन, ये सब कंडेंसेशन, ये सब और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाइक कंबशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थर्मो में। केमिस्ट्री में से भी अगर सवाल आ रहा है तो वो कंबशन से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंबशन रिएक्शन हम यूजुअली लैब में परफॉर्म करते हैं अंडर द रिक्वायर्ड कंडीशंस, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो ये सब हम पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या कंडीशंस होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यू जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो ग्राफ आई थिंक 12th में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देते हैं, दैट इज़ योर एसिड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं, एसिड बेस मिला है, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, तो उसको देखेंगे कि बचपन में तो पढ़ते थे एसिड बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कि लेकिन उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, किसके इसमें कितनी होगी ये देखेंगे। कई बार कोई मेरे पास एनोनिमस केमिकल है और मुझे उसकी एसिडिटी बतानी है, तो उसकी एनर्जी से भी हम बता सकते हैं, अच्छा ये एसिड मेरा स्ट्रांग है या वीक है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इस मेथड से भी हम बता सकते हैं कि मेरा एसिड या बेस जो भी है वो एक स्ट्रांग एसिड बेस है या वीक एसिड बेस है, उससे भी हम बता सकते हैं, रिएक्टिविटी बता सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ के आएंगे और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।